गोली मारी गई भाई, मीडिया बैठ के दौरान गोली मारी गई, तो यूपी में जिस तरह का चल रहा है अभी ट्रेंड चल रहा है, क्या उचित मानते हैं, किस तरह से अति यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है, ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो, ये मेरा मानना है। सर आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा कि अब राजस्थान पुलिस अपराधियों के खिलाफ झुकेगा नहीं तरीके से काम कर रही है। पहले ऐसा देखने को मिलता था कि सिर्फ अपराधी फायर करते थे या अपराधियों की तरफ, ऐसी घटनाएं कुछ हुई है पर समय रहते रोक दिया गया, उनको सबक सिखा दिया गया, आगे भी सिखाया जाएगा। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है, हमें उनसे मतलब नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हम तो चाहते हैं राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे, क्राइम पे लगाम लगी रहे, कोई ऐसे पैदा ही नहीं हो जो गैंगस्टर हो। गैंगस्टर पैदा होने क्यों दे जाए, पुलिस का प्रशासन का काम है कि कोई अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, नौजवान या कोई भी व्यक्ति उन कारणों से समय रहते हुए अंकुश लगाए, कड़ी कार्रवाई करे जिससे कि गैंगस्टर बने नहीं। जहाँ गैंगस्टर बन गए हैं आप देखते हो कि देश के अंदर क्या हो रहा है जगह जगह पर। ये घटनाएं राजस्थान में कोई जमाने हुआ करती थी, देखिए कई जमाने में राजस्थान बहुत हुआ करते थे बॉर्डर पर, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ गया। तो राजस्थान में